अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जीत, क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला तुझे? बहुत कोशिश की हमने, बड़े से बड़े वकील से बात की, पर कोई बाबूजी का केस लेने से सबने मना कर दिया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं माँ, हमें भी नहीं समझ आ रहा कि क्या बात है। इतना पैसे देने के बाद कोई इनका केस लेने को तैयार क्यों नहीं है? पता नहीं माँ। कुछ कर बेटा, तुझे कुछ करना पड़ेगा, तुझे इनको बचाना पड़ेगा। आखिर सुकांत चाहता क्या है, क्यों सारे वकीलों को केस लेने से मना कर रहा है? गौरी, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए वकील साहब, ये लीजिए फाइल। ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो आपकी बहन है। बहन थी, अब सिर्फ हमारी मैया की कातिल है। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज यकीन भी हो गया महादेव। बाबूजी के बहाने ये केस कोर्ट तक पहुंच गया है और अब असली गुनहगार कृष्णा को उसके किए की सजा दिलाना और भी आसान हो गया। अब जानते हैं ना आपको क्या करना है? Yes. कोर्ट की पहली सुनवाई कल है। कल है? आप सब लोग घर चलिए। कार्रवाई शुरू करिए। आरोपी का वकील कौन है? हम यहां हैं। और आपकी अनुमति से रघुवेंद्र जी का केस लड़ना चाहते हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मजाक थोड़ी चल रहा है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस है। मर्डर के चार्जेस लगे हैं बाबूजी पे। तुम्हारी एक गलती ना उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकती है। पर हमारे पास अभी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। माँ, माँ ये कृष्णा क्या कर रही है? इसे समझ नहीं आ रहा है कि सरकारी वकील तो है ना। अगर ये सब करेगी ना नाटक, तो सरकारी वकील भी भाई साहब को नहीं बचा पाएगा। देवर जी, आप तो बस ही करिए। इतने पैसे होने के बावजूद हम एक अच्छा वकील नहीं कर पाए इनका केस लड़ने के लिए। वो कृष्णा अगर लड़ना चाहती है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आप प्लीज जाके बैठ जाइए। हाँ सुकांत, तुम्हें हमारी बात तो सुननी नहीं, करो जो करना है। परमिशन ग्रांटेड, इस केस की सुनवाई शुरू की जाए। धन्यवाद।
हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हमारी जान बचाने की पूरी कोशिश करोगी। हम जानते हैं कृष्ण कि तुम सच में बाबूजी की मदद करना चाहती हो, पर इस बात को भी तो नहीं अनदेखा किया जा सकता कि कहीं ना कहीं बाबूजी तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में पड़े। ये वकील वाला नया लिबास लेकर जो तुम कोर्ट आई हो ना कृष्णा, ये नाटक तुम्हें बचा नहीं पाएगा। आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, फांसी होगी तुम्हें। सोचिए जज साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवरूल्ड। लगता है मेरी फाजिल वकील दोस्त को फिल्में देखने का बहुत शौक है, इसीलिए ये इस वक्त कोर्ट में झूठी और मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर कोर्ट का समय वेस्ट कर रही हैं। अगर इनके पास कोई ठोस सबूत है तो अदालत में पेश कर सकती हैं। कृष्णा, आपके पास कोई सबूत है? जी सर, आप बस 2 मिनट का समय दीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आइएगा। धन्यवाद। आखिर ये कृष्णा करना क्या चाहती है? पहले खुद उस गुनाह के लिए जो इसने किया है बाबूजी को फंसाया, अब उन्हें बचाने का नाटक कर रही है। ये चाहती क्या है? उनसे ये बताना है कि जब हमारी माई का खून हुआ, हमारे ससुर जी मतलब रघुवेंद्र जी शहर से बाहर थे। क्या देख रहे हैं सुकांत जी? अब हम तो बस ऐसे ही। रहने दीजिए, हम जानते हैं आप क्या कर रहे थे। यही देख रहे हैं ना कि कहीं कृष्णा की वजह से जीत के बाबूजी बचने की जगह फंस ना जाएं। आप फिक्र मत कीजिए, किसी बेगुनाह को तो हम फांसी नहीं होने देंगे, और वो भी उस गुनाह के लिए जो उन्होंने किया ही ना हो। आज सजा भी होगी और फांसी भी होगी, मगर सिर्फ और सिर्फ कृष्णा को। I'll make sure of it. क्या बात है गौरी? अरे एक ही दिल है हमारे पास, कितनी बार जीतोगी? अच्छा सुनो, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम, ये क्या बदतमीजी है? पर हमने क्या किया? अच्छा, मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? पांव से टंगड़ी किसने मारी? हमने नहीं मारी सर, हम क्यों मारेंगे आपको? अब आप गलती से गिर गए होंगे। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। अरे चलो। पर हमने जब कुछ किया ही नहीं है। हमारी बात तो सुनिए।
कितनी भी कोशिश कर लो कृष्णा, मगर इस लड़ाई में ना तुम हमें हरा पाओगे और ना हमसे जीत पाओगे। देखिए नथ सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।